हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉग जाएगा, और मतलब काफ़ी दिन बाद जा रहा है आज का ब्लॉग। आई थिंक मुझे भी याद नहीं रहा कि मैंने लास्ट ब्लॉग कब डाला था। रक्षाबंधन का शायद लास्ट ब्लॉग थे, वो डाले थे। उसके बाद से मैंने बिल्कुल भी ब्लॉगिंग नहीं की है। उसका रीज़न आप लोगों को पता ही है, घर पर ना बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो पूरे दिन ठक 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 की इतनी आवाज़ें आती रहती हैं ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और इस टाइम तो मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि गेट भी नहीं खोल पा रहे हैं हम। एक गेट से हम लोग एंट्री आना जाना कर रहे हैं, बड़ा वाला गेट हमारा लोबी का नहीं खुल रहा है, क्योंकि उसके बाहर जो है वो फोर सीलिंग चल रही है। तो उसके चक्कर में ना बहुत ज़्यादा मतलब काम घर में, आपको पता ही है, क्योंकि रेनोवेशन जो है, यश ने जो रेनोवेशन घर की कराई है वो बहुत डीपली कराई है। मतलब हर चीज़ दोबारा से ठीक हो रही है, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और इसके अलावा काफ़ी सारे ब्लॉग मैंने पहले भी डाले थे, तो उनका रिस्पांस भी मुझे इतना अच्छा नहीं मिला। मतलब कि आप लोग यार बहुत कम देखते हो, और मतलब शेयर भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। एक बार को ना मन अजीब सा हो जाता है कि इतनी मेहनत हम करें अपनी लाइफ को आप लोगों को दिखाएं, और उसके बाद जो चाह रहे हैं वो चीज़ ना मिले, तो बहुत अजीब सा लगता है। क्योंकि सोचो, ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है, पूरे दिन अपनी लाइफ को दिखाना बहुत मुश्किल होता है। और मेरा जो पार्लर है, मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा कैमरा यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पार्लर में भी मेरे कस्टमर रहते हैं, तो मतलब काफ़ी काम चलता है, तो उसको मैं नहीं दिखा सकती। मतलब मैं उतना काम आप लोगों को दिखा सकती हूँ जब पार्लर में कोई नहीं होता है, तब मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो में दिखाती हूँ। या फिर पार्लर में कुछ ऐसा काम चल रहा है जिसमें जो हम दिखा सकते हैं, कोई भी ऐसे नहीं बैठा है कि हम उसको नहीं दिखा सकते उस तरीके से, तो मैं जो है वो पार्लर में कैमरा यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए सिर्फ दो ही जगह बची है, एक घर के ऊपर और एक घर के नीचे पार्लर में। तो पार्लर का तो आप लोगों को पता ही है, बहुत कम कभी कभी आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिलता है। और घर का जो है वो, घर की स्थिति इस टाइम बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो अभी भी आवाज़ आ रही होगी ना आपको, इतना मतलब इतनी ठक 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 ठक, पता नहीं किन किन मशीनों की आवाज़ आती रहती है। ये ग्रिल मशीन चल रही है, कोई छेद वेद हो रहा होगा कहीं, तो उसके लिए ग्रिल मशीन चल रही है। पूरे दिन यही चलता रहता है, मेरी तो तबीयत भी खराब हो गई उसी के चक्कर में ना। पूरे दिन सुबह को जल्दी उठना पड़ जाता है, क्योंकि सब लोग आ जाते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, रात को मेरी आदत है कि मैं ज़्यादा जल्दी से नहीं सो पाती, तो मेरी तो खुद इस वजह से ही ना काफ़ी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरा सबसे मेन रीज़न जो मुझे लग रहा है ना, वो यही लग रहा है कि जब वीडियो चल नहीं रही हैं अच्छे से, और चैनल भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मैं यहाँ पे वीडियो वगैरह डालूँ। क्योंकि काम उस पर करने का मन करता है यार जो मतलब अच्छा चले। जैसे पूजा चौधरी चैनल है, वो बहुत बढ़िया चलता है, उस पर जब भी वीडियो डलेगी व्यूज़ भी बहुत अच्छे आते हैं, सब्सक्राइबर भी बहुत अच्छे बढ़ते हैं, और मेरा चैनल जो है वो ग्रो भी बहुत अच्छे से कर रहा है, तो उस पर मुझे पूरा रहने का मन करता है। मतलब उस पर आपको एक दिन छोड़ के वीडियो मिलेगी ही मिलेगी, और जो भी क्वेश्चन सबके आते हैं उससे रिपीटेड वीडियो मिलती है। मतलब कि अगर आप पहले वो वीडियो जा भी चुकी है और आप लोगों ने नहीं देखी है, तो मैं दोबारा भी अपलोड कर देती हूँ उस पर। बट यहाँ क्या है, यहाँ का तो भाई मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि पता नहीं क्यों चैनल अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा, क्यों व्यूज़ नहीं आ रहे चैनल पे, ऐसी क्या कमी हम लोग छोड़ रहे हैं। जबकि मैं इतनी मतलब आप लोगों को बिल्कुल रियल लाइफ अपनी दिखा रही हूँ, कुछ उसमें फेक नहीं है, फिर भी पता नहीं क्या है यार, इतना इतनी टेंशनबाजी होने के बाद भी, मतलब घर में इतना काम चल रहा है, फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ब्लॉग लेके आती हूँ, फिर भी आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं। जब आप लोग शेयर नहीं करोगे तो लोगों तक वीडियो जाएंगी नहीं, तो जाएंगी नहीं तो चैनल आगे को बढ़ेगा कैसे, फिर आपको मैं नया नया क्या करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम लोग घूमने के लिए गए थे, उसके इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग मैंने डाले, कि अगर आप लोग देखेंगे उन ब्लॉग को, तो मैंने बहुत मेहनत की है उन ब्लॉग को आप लोग को देने में। और उसके बाद हम लोगों ने रक्षाबंधन का ब्लॉग, इतना अच्छा है मेरा, लेकिन कुछ भी नहीं अच्छे से चल पा रहा है, क्या फायदा। तो चलिए बच्चे कुछ कर रहे हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये तो चलता ही रहेगा, पता नहीं क्या है यार, कब पता नहीं कब खत्म होगा, जब भी खत्म होगा आप लोगों के साथ में तो शेयर किया ही जाएगा। बट अगर आप लोग चैनल को अच्छे से ग्रो कराएंगे तभी मैं वीडियो आगे डालूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे गैप ले लेके वीडियो डालूंगी, जब मेरा मन करेगा तब वीडियो डालूंगी, जब मन करेगा नहीं डालूंगी, क्योंकि डाल के कोई फायदा तो है नहीं, आप लोग उसका कुछ कर तो रहे नहीं हो। तो चलो बच्चे पता नहीं क्या कर रहे हैं उधर, तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि वो कुछ बना रहे हैं, और उससे आगे का भी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ क्या क्या आज करने वाले हैं। और मैं बिल्कुल अभी नहा कर आई थी, मेरे बाल भी अभी सूखे भी नहीं है, और अभी मैं इनमें कॉम वगैरह करती हूँ, क्योंकि जब तक ये सूखते नहीं है ना पूरी तरीके से, मैं इनमें कॉम भी नहीं करती हूँ। और काफ़ी क्वेश्चन ना स्किन केयर से रिलेटेड आते हैं, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड आते हैं, बालों से रिलेटेड आते हैं, हेयर केयर,
वो सारी वीडियो आप लोगों को पूजा चौधरी चैनल पे ही मिलेंगी। इस पे भी अगर मैं वो डालूंगी तो फिर दोनों चैनल मिक्सअप हो जाएंगे। वो मेरा चैनल जो है वो उसी चीज से रिलेटेड है, तो आप वहां पे जाके ना अपनी सभी प्रॉब्लम का सलूशन की वीडियो ढूंढ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मैं वहां पे डालती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दिखाती हूँ आपको कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। क्या? अच्छा दादा वाला देखते ना बेटा, आज बनाए हैं टैकोस, पूरी सब्जी खा। नहीं तो क्यों बनवाते हो ये बताओ जरा, हैं? मतलब चीज सारी खानी है बढ़िया करके, सारी विदेशी विदेशी, और किसी में प्याज है किसी में कुछ है। तो ये बनाए हैं टैकोस। टाकोस की भी ऐसी की तैसी मार दी इस लड़के ने सब्जी निकालने के चक्कर में। देख रही है बबली? देख रहा तू कितना अच्छा लग रहा है ना जबकि ये। अब बताइए तब भी देख 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 जरा इधर को देख, सारी सब्जियां निकाल डाली। नहीं इसे तो रोटी दी जावे बस सूखी। माय टाको माय रूल, माय टाको माय रूल। खुशी बेचारी बनाने पे लगी पड़ी है अभी। तो सबको नहीं टाकोस के लिए बैठा है बेटी, ये सिन्ना मिर्च नीचे जानी है। खुशी ने थोड़ा सा और क्रिस्पी करते तो और अच्छे लगते नहीं हो रहे हैं। इतने ही होंगे बस ये, है ना? एक एक स्लाइस बेचारे को दे दे। देखिए देखिए बेचारा कैसे बैठा, सारी नमक मिर्ची निकाल के, सारी नमक मिर्ची सब निकाल के। तो तू डेढ़ खा ले अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो खाओ। मैंने बनाया गाइस सारा। हाँ सारे टाकोस खुशी ने बनाए हैं, बबली ने हेल्प करी है ओनियन काटने में, क्योंकि वो प्याज खुशी से कटती नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खाओ पियो मजे करो। शॉपिंग करनी थी, वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं, ले लिया है सारा सामान। काफ़ी सारी चीज़ें ना ख़त्म हो रही थी, हमने सोचा कि चलिए लेकर आते हैं। शॉपिंग करके ना मज़ा आ जाता है। और ये वाला मार्ट तो वैसे भी मेरा फेवरेट है, मिंट हमारे यहाँ पे ना मुरादाबाद में ही काफ़ी फेमस है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। शॉपिंग हमारी हो चुकी है और अब हम जा रहे हैं घर। ना लेते लेते भी इतना सामान ले लेते हैं ना, है ना यशु? देखकर ज्यादा याद आती है पता है इनको, तो ये लगता है घर से तुम मुझे दो तीन चीजें कह के बोलती हो कि ये लेने जा रहे हैं बस, और फिर उसके बाद इतना सारा सामान जो है वो ले लेती हो तुम। बट पता है कि यार देख के याद आती है कि हाँ ये भी खत्म हो रहा है वो भी खत्म हो रहा है, मेरी क्या गलती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे घर जाकर। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और हमारे आते से इन बच्चों ने ना तुरंत सामान निकाला गया है, और इन लोगों का सब फेवरेट आया। ध्रुव ने चोकोज मंगाया था, तो ध्रुव का चोकोज आ चुका है। खुशी ने टाकोज मंगाए थे, तो खुशी का टाकोज आ चुका है। मैंने ये मंगवाया, खुशी बना बना के दिखाई बहुत बढ़िया। और इन लोगों ने पॉपकॉर्न मंगाई थी, और पापा पता है इतना गुस्सा कर रहे थे कि क्यों ले रही हो फालतू फालतू, फिर रस है और ये क्या है। हाँ ये यश को बहुत पसंद है ये वाले बिस्किट, और ये है सारे पास्ता के शेप और मेयोनीज एक कलर्ड पास्ता। ये वाला पास्ता ना बहुत अच्छा लगता है कलर्ड वाला, और मैक्रोनी और दूसरे तरीके का पास्ता भी है, चिप्स वगैरह का पैकेट है,
चिया शीट है, बिस्किट है, चिया, एक और पास्ता, और ये छोटा वाला पास्ता, हब्स वगैरह है, रोजमेरी, छोटी वाली मैक्रोनी, सो सब कुछ घर पे यूज होने वाली चीजें। बॉर्नविटा भी आ गया तेरा, सही है। बॉर्नविटा का बॉर्नविटा फाइव स्टार फ्लेवर, फाइव स्टार फ्लेवर। अब के मैं अपनी बाउंड्री संभाल के रखूंगी। हाँ, खुशी खुशी ने ये पिछली बार डस्टबिन में डाल दी थी धोखे से, तो खुशी का ये सामान लग दिया। मैंने इसे खोला था, मेरे हाथ में छिकल भी वही था और बाउंड्री भी थी, तो मैंने छिकल की जगह पता नहीं क्या कहा। इसमें से एक मेरी है, एक मेरी है, तीन लाइयों में से दो। ठीक है ध्रुव, अपनी चौकोस से खुश हो, यही खाया करोगे सुबह सुबह हमेशा। अब मैं डाइट पे आ गया, ये डाइट पे आ गए हैं अब। तो ये थी हमारी छोटी सी ग्रोसरी शॉपिंग, जो आपको पसंद आई होगी। अगर आप लोग बोलेंगे तो आप बच्चों से इसका एक हॉल बना देंगे, नहीं तो ऐसे ही देख लो, यही है। वैसे ही घर का इतना ज्यादा अफरा तफरी मची हुई है, क्या करें यार, अभी तो शिफ्टिंग का चक्कर बड़ा पड़ रहा है, तो अभी तो सब घर ऐसे अस्त व्यस्त है। तो ये सारी शॉपिंग है जो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो घर आने के बाद जो है वो हम लोगों ने ये सारी जो सामान है उसको अब लगाते हैं अभी। और घर की हालत तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती, कितनी ज़्यादा खराब है, हर तरफ फैला फैला है इधर उधर, तो ज़्यादा कुछ घर का देखने के लिए नहीं मिल रहा है आप लोगों को। पापा लाए हैं घेवर, जरा दिखाना ध्रुव। ओ माय गॉड, बड़े टेस्टी लग रहा था, पापा ने मुझे खिलाया। यम्मी यम्मी घेवर, जो कि है मम्मी और बच्चों का सबका फेवरेट, पापा का भी, मम्मी का भी, और मुझे यही वाला पसंद है जिसके ऊपर ये। हाँ जी बिल्कुल, तुम के पीछे रहोगे। तो हम लोगों ने अभी खाना खाया था और उसके बाद हम लोग ये घेवर खा रहे हैं, टेस्टी टेस्टी वाला। कैसा लग रहा है? ये लो, बहुत अच्छा। तुम खा लो, तुम खाओ, तुम खाओ, खाओ। ले मेरा बेबी। सो यम्मी, खाओ। नहीं नहीं नहीं, खाना पड़ेगा मेरे हाथ से। बेटा मुंह में है बहुत सारा, गिर गया नीचे। जरा तो तेरी है। अपना ही है बेटा, अपना ही है, खा लो, कोई पड़ोसी लेने नहीं आ रहा। पड़ोसी को हम ले जाने भी नहीं देंगे, पड़ोसी को हम ले जाने भी नहीं देंगे। घेवर का मजा लिया जा रहा है, पापा आ जाओ, घेवर का मजा लिया जा रहा है। पिताजी थोड़ी देर बाद तुम्हें ये मिलना नहीं है, अगर नहीं आए तो। पापा हटा दे, चलो पापा खुला दो, ध्रुव पापा खुलाओ। कल तक बच रहे आयो, जो हो सकता है अभी हो सकता है। मैं नहीं बता, ठीक है।